खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाएंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 मई तक पहली से 12वीं के स्कूल और कॉलेज बंद होंगे। मई में नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। स्थगित हुई परीक्षा पर 20 मई को हो सकता है फैसला। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लिया गया है फैसला। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम योगी। कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएएफ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। सैन्य संचालन की तैयारियों का भी मंथन होगा। कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडर्स परिचालन क्षमताओं, रणनीतियों और गतिविधियों नीतियों पर चर्चा करेंगे। इससे भारतीय वायुसेना को अपने विरोधियों पर अहम बढ़त मिलेगी। गाजियाबाद में राष्ट्रकवि कुंवर बेचैन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली के कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव पहले चरण के मतदान शुरू हुए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग जारी है। 5 लाख से ज्यादा प्रत्याशी आजमा रही हैं अपनी किस्मत। 3,16,46,162 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। अयोध्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान जारी। पंचायत चुनाव में 890 मतदान केंद्र हैं और 2710 बूथ है। चुनाव में लगभग 8000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं जिला पंचायत सदस्य की 40 सीट है जिस पर 469 प्रत्याशी मैदान में है। ग्राम प्रधान के 794 सीट है जिसमें 5753 प्रत्याशी मैदान में है। गाजियाबाद पंचायत चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में आज 5,55,951 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वोटर्स 3,754 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कानपुर में पंचायत चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। श्रावस्ती में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है। दिव्यांग नंद कुमार ने वोट डाला। हाथरस में भी त्रिस्तरीय चुनाव के चलते वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुल प्रत्याशी 7,763 हैं। प्रधान पत्र के लिए 463, ग्राम पंचायत पद पर 3621 प्रत्याशी खड़े हैं। तो पंचायत पद 599 हैं जिसके लिए 2461 प्रत्याशी खड़े हैं। जिला पंचायत पद केवल 24 हैं जिसके लिए प्रत्याशी लगभग 311 खड़े हुए हैं। वोटर 1636 बूथों पर अपने मतों का प्रयोग कर इनकी किस्मत तय करेंगे। आगरा में सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करवाया जा रहा है। झांसी में 7 बजते ही मतदान शुरू हो गया है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। जिले में कुल 753 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज 9,37,000 वोटर अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं और कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए भी गए हैं। वोटरों को मतदान केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है।
वहीं भदोही में सुबह 7 बजे से जनपद में मतदान शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। 1889 मतदेय स्थलों पर मतदान हो रहा है। ग्यारह लाख 10,000 मतदाता 14,329 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान स्थलों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे जिले को 16 जोन और 81 सेक्टर में बांटा गया है। 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मतदान को सकुशल संपन्न कराने में तैनात किए गए हैं। सहारनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटरों में खासा उत्साह। मतदान केंद्र पर वोटरों की कतार लगी है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए वोट डाले जा रहे हैं। भदोही में रैपुरी गांव के मतदान संख्या 12 पर जिला पंचायत सदस्य पद का मतपत्र बदलने की वजह से काफी देर तक मतदान बाधित रहा। करीब 1 घंटे के बाद मतदान सुचारू रूप से चालू हो सका। कानपुर देहात में एसपी के निर्देश पर कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बरेली में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच 15 विकास खंडों के सभी 1628 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। जिले की 1194 ग्राम पंचायतों में 1628 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर संक्रमण से बचाव के लिए खतरों में मतदाताओं के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाकर मतदान करने के निर्देश दिए गए हैं। हरदोई में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। लोगों में बड़े उत्साह के साथ अपने घरों से मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। आगरा में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 20,29,000 वोटर गांव की सरकार बनाएंगे। सभी वोटर 4 पदों के लिए वोट कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सदस्य ग्राम पंचायत और प्रधान प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज वोटर करेंगे। अकोला ब्लॉक के मतदान केंद्र पर वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोविड गाइडलाइन के साथ वोटर मतदान कर रहे हैं। कानपुर के खाड़ामऊ पोलिंग बूथ पर मतदान को लेकर विवाद हो गया। पुलिस के मनमाने तरीके पर आरोप लगा। विरोध करने पर प्रत्याशी एजेंट को पीटा। जौनपुर के रूपचंदपुर गांव में फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जौनपुर में फर्जी वोटिंग को लेकर ये दो पक्षों में मारपीट हुई। प्रयागराज के डेलोहा प्राथमिक विद्यालय में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने मतदान केंद्र पर नारेबाजी की। झांसी में मतदान केंद्र पर जमकर बवाल। ग्रामीणों ने फाड़े मतपत्र। चुनाव कर्मचारी पर आरोप। बूथ पर भारी पुलिस बल तैनात। उन्नाव में पूर्वा कोतवाली पुलिस ने वोटरों को बांटने के लिए लाई गई साड़ियों को पुलिस ने बांटने से पहले बरामद कर लिया। पुलिस ने 7 बंडल में पैक 1148 पीस साड़ियों को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने साड़ियां बरामद करने के साथ ही 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। कार सवार एक महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल।
शामली जिले के कैराना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। काफी मात्रा में शराब पुलिस ने बरामद की है। एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए डीएम मीटिंग की और बैठक में जिम, स्विमिंग पूल और पार्क को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद करने का समय भी प्रशासन ने निर्धारित किया है। जिले में दूध, फल, सब्जी और किराने की दुकानें दो पालियों में खुलेंगी। सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। शहर में दूध, फल, सब्जी, किराने को छोड़कर अन्य दुकानें सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जिसका असर दिखने लगा है। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की। देश में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। पीएम मोदी ने सभी राज्यपालों से कोरोना नियंत्रण पर चर्चा की। बैठक में उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। अहमदाबाद से लखनऊ पहुंची 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। सीएम ने स्टेट प्लेन भिजवाकर मंगवाई थी रेमडेसिविर। अब प्रदेश में इंजेक्शन की नहीं होगी किल्लत।